खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर प्राधिकरण के खिलाफ नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने सड़क पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध सभा का आयोजन किया। इस दौरान सरकार से मुजफ्फरपुर को अपराध मुक्त करने की मांग की। अपराध मुक्त करने के लिए आज नागरिक मोर्चा शहीद स्मारक के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो नागरिक मोर्चा मुजफ्फरपुर का चक्का जाम करेगा। यहाँ पुलिस से ताकतवर ज्यादा अपराधी है। पुलिस अंधेरा में लाठी भाज रही है। कभी भी कोई अपराधी घटना होता है मुजफ्फरपुर में, किसी की हत्या हो या बड़ी लूट हो, कभी भी पुलिस को सफलता नहीं मिलता। पुलिस हाथ पर हाथ धाकर बैठी रहती है लेकिन अपराधियों को नहीं खोज निकालने में असफल साबित होती है। जब कोई भी अपराध मुजफ्फरपुर में होता है तो पुलिस अपराधियों को मोटरसाइकिल के डिक्की में खोजती है। आज शहर के कई इलाके को, कई मार्गों को पुलिस ने जाम कर दिया था मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पर। मोटरसाइकिल के डिक्की में अपराधियों को खोजा जा रहा है। गौरियम IVF विनर ऑफ इंडियाज बेस्ट IVF क्लिनिक अवार्ड। गौरियम IVF जिसने हजारों महिलाओं के मां बनने के सपने को किया साकार। अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं, तो अब चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहां दूसरे IVF सेंटर्स के फेल्ड केसेस और मल्टीपल साइकिल फेलियर केसेस का सक्सेस रेट न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा है। निराश ना हो, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस्ड है कि ज़्यादातर लोगों के बच्चे इलाज से हो सकते हैं। वो एक सही IVF सेंटर को चुन करके वहाँ जाएं। सही सेंटर वो है जहाँ लीडर जो है हाईली क्वालिफाइड हो और सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। ना या अपने किसी जानकार के जीवन का सूनापन दूर करना चाहते हैं तो आज ही आइए गौरियम IVF।